75वां स्वतंत्रता दिवस शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से मनाया गया। इस बार कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम में कम लोग उपस्थित हो सके। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बारे में बताते हुए देश सेवा की सीख दी। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में एसडीएम महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश शर्मा नर्मदा अपना अस्पताल होशंगाबाद के संचालक द्वारा किया गया। डॉक्टर शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें, तभी आपका और देश का भविष्य तय होगा। बिना लक्ष्य के जीवन पशु के समान है। आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि वीरेंद्र राजपूत, समद पठान, राज रघुवंशी, अनूप शर्मा, अक्षय राजपूत, मनोज राजपूत, सत्यम चौधरी, गुलशन कावड़े एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। संस्था के संचालक तनवीर आलम, डॉक्टर मीनल तिवारी, संस्था प्राचार्य डॉक्टर ऋचा दुबे ने स्वतंत्रता दिवस की सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहाँ पे हमको एक ही बिटिया की आवाज सुनाई पड़ी थी। अपने पूरे प्राण शक्ति के साथ, वैचारिक शक्ति के साथ में, पूरी मानसिक शक्ति के साथ में हम जिस टुकड़े में हम पैदा हुए हैं, भारत माँ कहते हैं इसे, हम उसे प्रणाम करते हुए उसे जयकारा बोलेंगे, भारत माता की जय। एक ही आवाज उसको नहीं ठीक कर पाया। अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं। या मेरे समक्ष जो है हमारी बच्चियां बैठी हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, महिला शक्ति भी है और पुरुष शक्ति भी है, तो इन दोनों में